बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने टॉपिक लिया हुआ है, ठीक है, संकुल यौगिक एवं कार्बोधात्विकी। तो बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस अध्याय के अंतर्गत हमको क्या सीखना है। बच्चों इस अध्याय के अंतर्गत मैं आपको कुछ कंपाउंड्स और उनके IUPAC नॉमनक्लेचर सिखाऊंगा, जो कि हमारे कक्षा 12वीं के अनुसार बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको संकुल यौगिक का एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग उसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि हम किसी संकुल यौगिक में क्या चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, किन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। तो हमको सबसे पहले उन चीजों को समझ लेना है बच्चों, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल रखने जा रहा हूं। एग्जाम्पल है मेरा K4 Fe CN होल नंबर ऑफ 6, ठीक है बच्चों। ये उदाहरण मैंने आपके सामने रखा हुआ है, आपको सिर्फ ये याद रखना है बच्चों कि ये जो उदाहरण है ये एक संकुल यौगिक को रिप्रेजेंट करता है। संकुल यौगिक होते क्या है ये डेफिनेशन मैं आपको कुछ समय के बाद दूंगा और आप समझ जाओगे। तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ समय के बाद मैं आपको उदाहरण दूंगा, ठीक है, और मैं आपको ये समझाऊंगा कि संकुल यौगिक क्या होते हैं। अभी आप इस उदाहरण को फोकस करिए और ध्यान दीजिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। इस उदाहरण से भी पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा कार्टून आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। समझिएगा कि ये आपने कभी देख रखा हुआ है, इस तरह से मैंने ये एक कार्टून मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो बच्चों इस तरह से ये जो एक कार्टून मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, इस कार्टून को जब आप ध्यान से देखोगे तो बहुत पहले सेवन अप का एक एड आता था, है ना, टीवी में, दूरदर्शन में, तब आप लोगों ने देखा था इस तरह का एक कार्टून, उसमें एक प्रमुख किरदार निभाता था, भूमिका निभाता था। मुझे उस एड से कोई वो नहीं है, मैं केवल ये कार्टून के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि आप इसको क्या कहते हैं तो आप कहेंगे सर ये उसका मुंह है। मैं आपसे पूछूं बच्चों ये क्या है तो आप कहेंगे सर ये आंख है। मैं आपसे पूछूं बच्चों ये क्या है तो आप कहेंगे सर ये भौं है, ठीक है। इस तरह से मैं आपसे पूछूं बच्चों ये क्या है तो आप कहेंगे ये उस कार्टून के बाल हैं। मैं आपसे पूछूं बच्चों ये क्या है तो आप कहेंगे सर ये उसकी नाक है। और अगर मैं पूछूं ये पूरा मैंने आपके सामने क्या ड्रॉ कर रखा तो आप कहेंगे सर ये उस कार्टून का आपने चेहरा बना रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत छोटी सी बातें इंडिकेट की, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं इस पिक्चर को दिखाते हुए कि ये जो है ये नाक है, ये नाक है, तो क्या आप ये मानेंगे कि ये नाक है? आप नहीं मानेंगे क्योंकि वो आंख है ना। हमारी प्रारंभिक शिक्षा से, यानी जब आप LKG UKG या प्राथमिक कक्षाओं में रहे हैं, पहली दूसरी में, तब आपको चेहरों को देखकर या पिक्चर्स देखकर आपको बताया जाता रहा है कि ये आंख है, ये नाक है, ये मुंह है, ये हाथ है, ये पैर है, ये चेहरा है, ये बाल है, और आपने इन्हीं आधार पर शब्दावलियों को आपने बोलना, अपने व्यक्तित्व में लाना आपने सीखा हुआ है। आपने कभी नहीं पूछा किसी से कि ये आंख क्यों है। समय के साथ आप खुद समझ गए कि आंख का काम क्या है। आंखों का काम देखना होता है, ठीक है, हमको वो विभिन्न तरीके की वस्तुएं दिखाती है, हमको मार्ग में चलना दिखाती है, व्हाटएवर व्हाटएवर। बस इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने लिया हुआ है, ये जो संकुल यौगिक मैंने लिया हुआ है, इस संकुल यौगिक के भी इसी तरह से कुछ विभिन्न भाग हैं। वो भाग हम किसको क्या कहते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूं। मैं यहां पर इन प्रश्नों में नहीं जाऊंगा कि हम उसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम हर चीज में ये क्यों का निवारण करने लगेंगे तो फिर हमारी कुछ चीजें समय के साथ अटकती चली जाएंगी और फिर हम उनको कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो चूंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि उस उदाहरण में इस तरह का कंपाउंड होगा उसको ये नाम दिया जाएगा, तो अभी आप फिलहाल में उसको वो नाम देते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं।
तो बच्चों सबसे पहले आप देख रहे हो कि मैंने एक कंपाउंड आपके सामने रखा हुआ है। उस कंपाउंड में सबसे पहले जहां पर के लिखा हुआ है, उस के स्थान पर आपकी आवर्त सारणी का, ठीक है, 11th क्लास में आपने आवर्त सारणी पढ़ रखी थी, तो आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व शामिल हैं। तो इन 118 तत्वों में से कोई भी तत्व यहां पर जुड़ने के लिए स्वतंत्र होता है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं स्वतंत्र धातु। क्या कहेंगे बच्चे इसको? स्वतंत्र धातु। मतलब इस जो मैं आपको बता रहा था कि आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, इन 118 तत्वों में से एक ही स्थान पर कोई भी तत्व जुड़ने के लिए स्वतंत्र होता है, और यही वजह है कि हमने उसको क्या नाम दिया हुआ है? स्वतंत्र धातु नाम दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब आप देख रहे हो कि यह एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ तत्वों को बंद करके रखा हुआ है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, आप देख पा रहे हो, इसको आप गणितीय भाषा में बड़ा कोष्टक कहते थे, ये गणितीय भाषा में बड़ा कोष्टक कहलाता है। ठीक है, हम इसको बड़ा कोष्टक कहते हैं। तो ये जो बड़ा कोष्टक है बच्चों, हम इसको केमिस्ट्री संकुल यौगिक की दृष्टि से हम इसको कहते हैं गुरु कोष्टक। ये गुरु कोष्टक है, ठीक है, इसका और भी नाम है, हम इसको समन्वय मंडल भी कहते हैं बच्चों, ये समन्वय मंडल कहलाता है। किसी किसी बुक में बच्चे इसको आकर्षण का प्रथम क्षेत्र भी बोला गया है, ये आकर्षण का प्रथम क्षेत्र कहलाता है। और भी नाम मिलेंगे, ठीक है, आप उनको भी देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, उस ब्रैकेट के अंदर जब हम चलेंगे तो आप देखेंगे कि जहां पर एफ लिखा हुआ है, उस एफ के स्थान पर केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल डी ब्लॉक के तत्व शामिल हो सकते हैं, और वो भी 98% केस में, यानी जहां पर एफ है उसके स्थान पर 98% एग्जाम्पल्स में आपको केवल डी ब्लॉक के तत्व मिलेंगे, जबकि बच्चों 1.5% केस में वहां पर पी ब्लॉक के तत्व हो सकते हैं, और 0.5% केस में वहां पर एफ ब्लॉक के तत्व भी हो सकते हैं। आपको याद रखना है कि वहां पर कभी भी एस ब्लॉक के जो तत्व होंगे, ठीक है ना, उनकी उपस्थिति नहीं होगी, वो कभी भी शामिल नहीं हो सकेंगे। ये कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से या ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने बोला है जहां पर एफ है उस एफ के स्थान पर केवल और केवल डी ब्लॉक के तत्व हैं 98%, और यही वजह है कि ये केंद्र है, ये केंद्र माने जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हम इनको बोलेंगे केंद्रीय धातु आयन। क्या कहेंगे बच्चों इनको? केंद्रीय धातु आयन, CMI, सेंट्रल मेटल आयन, हिंदी में इनको बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए, बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा। एक छोटे ब्रैकेट के अंदर मैंने CN जैसा एक कंपाउंड लिखा हुआ है बच्चों, ये CN जो है ये यहां पर कहला रहा है लिगेंड, ठीक है, और वो एक ब्रैकेट में बंद है, और उसके सामने एक नंबर सूचित हो रहा है, और वो नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है समन्वय संख्या को। ठीक, हम उसको बोलते हैं समन्वय संख्या, इसको बच्चे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया कि हम किसको क्या कहते हैं। यहां पर 5 महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले आ रही है आपके पास स्वतंत्र धातु, दूसरी आपके पास आ रहा है बच्चों ये गुरु कोष्टक या आयन मंडल, तीसरा आपके पास आ रहा है CMI केंद्रीय धातु आयन बच्चे, चौथी चीज है हमारे पास लिगेंड, और पांचवी चीज हमारे पास है समन्वय संख्या। तो अब एक एक करके मैं आपको इनकी जानकारी दूंगा ताकि हम अपने टॉपिक को कनेक्ट करना स्टार्ट करें। तो बच्चे चलते हैं अगली टॉपिक को लेकर, और वो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले आपको बताऊंगा समन्वय संख्या के बारे में, सॉरी लिगेंड के बारे में। बच्चों लिगेंड को बहुत अच्छे से समझना है कि अगर आज आपने लिगेंड को समझ लिया और अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो समझ ली कि ये अध्याय जो है वो आपकी पकड़ में आ जाएगा और आप समझ पाओगे कि इस अध्याय को पढ़ना कैसे है और ये अध्याय किस तरह से पढ़ा जाएगा। अदरवाइज ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट लेसन है और बहुत समझने में इतना अनुकूल नहीं है बच्चों के लिए, और किताब से जब आप इसको पढ़ते हो या बुक से जब आप इसको पढ़ते हो तो ये उतना साधारण दिखता है लेकिन है नहीं।
इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो समझिए लीगेंड के बारे में बच्चों, बहुत सिंपल सी बात समझिएगा, मैं कह रहा हूं ऐसे अणु परमाणु आयन या यौगिक जिनके पास कम से कम, जिनके पास कम से कम एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक क्या होता है बच्चों, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, जिनके पास एक या एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये उसे दान कर क्या कर सकते हैं, सह संयोजी बंध, सह संयोजी बंध बनाने की क्या रखते हैं बच्चों, क्षमता क्षमता रखते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, तो बच्चों मैंने कहा है, ध्यान दीजिए, मैंने कहा है कि ऐसे अणु परमाणु आयन या यौगिक जिनके पास कम से कम एक या एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और वो उस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकते हैं और दान करके क्या बना सकते हैं, सह संयोजी यौगिक बना सकते हैं या सह संयोजी बंध बना सकते हैं। तो ऐसे अणु परमाणु आयन को ही आप किसकी श्रेणी में रखते हो, लिगेंड की श्रेणी में रखते हो। ठीक है, जैसे कि मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि आप बच्चे लोग हो, ठीक है, आपके मित्र लोग हैं, आपके पड़ोसी लोग हैं और मैं हूं, तो हम, मैंने जितने नाम अभी आपके सामने एग्जीक्यूट किए, मैंने आपको लिया, आपके मित्र को लिया, आपके पेरेंट्स को लिया और मैंने अपने आप को रखा, तो हम सब में टीचर कौन, मैं टीचर, क्योंकि मेरा काम आपको शिक्षा देना है, मेरा काम आपको केमिस्ट्री पढ़ाना है, तो मैं टीचर हूं। लेकिन हम सब में एक चीज कॉमन है कि हम सभी मनुष्य हैं, तो आप भी मनुष्य की श्रेणी में आते हैं, मैं भी मनुष्य की श्रेणी में आता हूं, आपके मित्र भी मनुष्य की श्रेणी में आएंगे, आपके पेरेंट्स भी मनुष्य की श्रेणी में आएंगे, लेकिन मैंने अपनी एक विशेष योग्यता अपने अंदर रखी है कि मैं आपका शिक्षक हूं और आप मेरे विद्यार्थी हैं, तो आपकी भी एक अलग योग्यता होगी। अब आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके अभिभावक हैं, क्योंकि कोई और नहीं हो सकता ना, वही आपके अभिभावक हैं, यानी हर चीज की अपनी क्या हो गई, कैटेगरी हो गई। तो बच्चों यहां पर ध्यान आपको इसी तरह से देना है कि अणु परमाणु आयन या यौगिक ही लिगेंड कहलाएंगे, शर्त यह है कि उनके पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक या एक से ज्यादा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, उनमें उस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की क्षमता होनी चाहिए और दान करने से ही काम नहीं चलेगा, उनमें सहसंयोजक बंध बनाने का गुण भी होना चाहिए। अगर ये तीनों क्वालिटी, ये तीनों गुण अगर उनमें हैं और वो इसका पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उनको क्या कह सकते हो, लिगेंड कह सकते हो। ठीक, ये डेफिनेशन जो मैंने आपको दिया, इसको एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी से आपके सामने रखना चाहूंगा, दो एग्जाम्पल लूंगा यहां पर, एक लिगेंड होगा और एक लिगेंड नहीं होगा, तो आपको ये टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले लिगेंड होगा तो लिगेंड के लिए ठीक है, और दूसरा जो कि सिर्फ अणु परमाणु आयन या यौगिक तो होगा लेकिन लिगेंड नहीं नहीं होगा, तो आप दोनों को भली भांति पहचान जाएंगे। समझिए बच्चों, अगर मैं यहां पर लिगेंड का एग्जांपल दूं तो मैं आपसे कहता हूं कि मैं NH3 का आपको निर्माण दिखा देता हूं, है ना, अमोनिया का, तो NH3 का निर्माण, तो बच्चों NH3 कैसे बना समझिए, एक नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, ठीक है, तो अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन, इसके अंतिम कोष में 1, 2, 3, 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, उसका उसके अंतिम कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, बच्चों क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा और ये इस तरह से जुड़कर एक बंध बना लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक NH3 नाम के यौगिक का निर्माण हो गया। इस NH3 के निर्माण में मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों,
कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा आपके सामने तैयार हुआ है, इसको हम बोलेंगे बंधी, इसको बोलेंगे बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। बच्चों ये बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है क्योंकि वो बंध का निर्माण कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहां पर एक ऐसा युग्म भी नाइट्रोजन के पास बैठा हुआ है जो एक पेयर के रूप में तो है, दो इलेक्ट्रॉन के रूप में तो है, लेकिन वो किसी बंध का निर्माण नहीं कर रहा बच्चों, और इसीलिए इसको हम कहते हैं एकांकी। तो आप देख सकते हैं ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो बच्चों NH3 अमोनिया के पास चूंकि एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो अमोनिया एक यौगिक तो है, वो एक यौगिक का अणु तो है, पर साथ में वो क्या भी है, वो लिगेंड भी है, क्योंकि वो हमारी शर्त का पालन कर रहा है कि इसके पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए ध्यान दीजिए, मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि वो एक अणु परमाणु आयन या यौगिक हो सकता है लेकिन वो लिगेंड क्यों नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं यहां पर आपको CH4 का निर्माण दिखा देता हूं। तो बच्चे CH4 के निर्माण में हमने बात करी कार्बन की, परमाणु क्रमांक 6 है, 2 और 4, इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ले लिया कार्बन, इसके पास 1, 2, 3 और 1, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर वही बच्चे से हाइड्रोजन जोड़े, इसका परमाणु क्रमांक 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन, फिर एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, अनदर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, अनदर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, एक और अनदर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। फाइनली क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, साझा हो जाएगा, और इस तरह से इनके बीच में बंध बनेगा। फाइनली ये CH4 का निर्माण हो जाएगा। CH4 के निर्माण के दौरान आप देखेंगे कि कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों साझे के द्वारा एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर युग्मित हो गए हैं। फाइनली उनके बीच में आपको इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का युग्म मिलेगा और वो युग्म कहलाएगा बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो हम देखेंगे कि मीथेन कंपाउंड के पास चारों के चारों जो युग्म हैं वो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उनके पास कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद नहीं है। इस दृष्टि से जो CH4 है बच्चों वो यौगिक तो है, वो एक यौगिक का अणु तो है, लेकिन वो लिगेंड की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि उसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? किसी भी अणु को लिगेंड होने के लिए हमारी शर्त का पालन करना जरूरी है कि उसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, उसको उसमें दान करने की क्षमता होनी चाहिए और उसको सहसंयोजक बंध बनाने का गुण होना चाहिए, तब हम ऐसे अणु परमाणु आयन को लिगेंड कहेंगे। तो होप सो बच्चों आपको ये लिगेंड समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत जल्दी आपसे अगले टॉपिक में मुलाकात होगी इसी चैप्टर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।